সংলতো ভুলতে রাখো প্রভু নানক দে কর পথ অব্বল আল্লাহ নূর উপায়া কুদরত কে সব বন্দে एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौ मंदे आप सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिरबान तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमुख निमुख तुम ही प्रतपालो हम वारक तुमरे तारे धनो वाहिगुरु साहिब जियो ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दी दृढ़ाए जिस पर आपत सोल है गुरु चरणी लग गया पावन बाणी नूं समझण दा यतन करिए।
अज का जो आपां शब्द पढ़िया है इस पावन शब्द विच धन गुरु रामदास महाराज जी की बख्शिश करते हैं उस दे बारे आपां संगत तो समझण का यतन करांगे। गुरु की पावन बाणी को समझ के अपनी जिंदगी कमा के ही जिंदगी को सफल किया जा सकता है। सो आओ गुरु की पावन बाणी को समझने तो पहला सारे ने गुरु फतेह की सांझ पाउणी प्रेम सत्कार भावना सहित बोलना जी आख्यो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गरीब नवाज पातशाह धन गुरु रामदास महाराज अपने अज के इस पावन शब्द में बेनती करते ने गुरु ज्ञान पदार्थ नाम है हर नाम दे गढ़ाई। सतगुरु गुरु पातशाह जी कह रहे ने कहिंदे हे भाई जिथे आपां अपनी मत के मुताबिक अपनिया लोड़ा पूरिया करन दे लई अपने इष्ट अगे आके अपने गुरु अगे आके मंगा मंगदे हाँ जो जो अपनिया लोड़ा ने पातशाह जी कहिंदे कोई गुनाह नहीं है क्योंकि ये तो मेरा मालक वो आ ना जिथे घर का तेरा सब कुछ है जिदे घर विच सब कुछ ही सानू प्राप्त हुंदा है सब कुछ ही सानू मिलता है। जे मेरे मालक दे घर विचों सानू सब कुछ प्राप्त होने की गल मेरे मालक ने दसी है तो सानू इहदे तो बिना होर किसी तो कुछ मंगना भी नहीं चाहिए। सभे थोक प्राप्ति इहदे कोलों साडी जिंदगी दीआं सारीआं लोड़ां पूरीआं हुंदीआं ने। पर जिहड़ी गल इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने की वो ये है जिथे इनिया अपनिया शरीरक परिवारक लोड़ा पूरिया करने के लिए गुरु अगे बेनती करता ना उत्थे एक नाल बेनती होर करया कर। देखो ये गल नहीं है कि तू अपनिया लोड़ा पूरिया करने के लिए बेनती ना कर अपनी कमाई की बरकत की बेनती ना कर कर जरूर कर इस गल का कोई भी इतराज नहीं है। पर जिहड़ी अगली गल चौथे पातशाह ने कही है ना वो ये कही है पातशाह जी कहते नाल एक गल होर ऐड कर ला नाल एक बेनती होर करया कर वो कही है बिसर नाही दातार अपना नाम देहे गुण गावा दिन रात नानक जाओ ये। पातशाह जी कहते आ बेनती नाल जरूर ऐड कर ला उठत बैठत हर हर ध्याई मार्ग चलत हरे हर गई है इस बेनती जरूर पैदा कर ला अपने अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का शौक पैदा कर ला। इत्थे पातशाह ने जिक्र की किया पातशाह जी कहते गुर ज्ञान पदार्थ नाम है गुर गुरु ज्ञान गुरु का ज्ञान पदार्थ ये एक मेरे लिए जिथे दूजा मटीरियल सिस्टम के नाल मेरा शरीर मेरा परिवार जुड़िया हुआ तो उत्थे मैं ये भी नाल वस्तु ये दात ये पदार्थ जरूर गुरु तो प्राप्त करना है। अज के इस पावन शब्द में मेरे मालक ने इस दात नूं एक पदार्थ के रूप में पेश करके सानू मंगण की जांच सिखाई है। जिथे इनिया चीज़ा मंगदा ना उत्थे नाल ये भी मंग लै गुर ज्ञान पदार्थ नाम है। पातशाह जी अगों की कहिंदे ने हर नामो दे दृढ़ाई हे गुरु हे पातशाह हे मेरे मालक जी मेहर करो तुसी ये दात मेरे अंदर दृढ़ कर देवो पक्की कर देवो कदे भी मेरे दिमाग चो मेरी सुरत विचों ये दात विसरे ना कदे निकले ना ते जदों ये दात मेरे जीवन दे विच आपदी तो फिर जिहड़ियां दूजियां दातां ने ना उन्हां ते मैनूं सबर हो जूगा। हुण इत्थे प्रश्न की आ वी भाव सानूं गुरु साहब ने ये क्यों कहा वी जिथे दूजियां दातां लगदा ना दूजा पदार्थ सिस्टम जिहड़ा तेरे शरीर परिवार नाल जुड़िया होया वह मंग रहा गा उत्थे नाम की दात भी एक पदार्थ के रूप में मंग लै। पर फिर की है
फिर पातशाह जी कहिंदे ना ये नाम की दात अजिही दात है जिथे तेरे शरीर नाल परिवार जुड़िया हुआ है ना, दुध पुत जमीन प्रॉपर्टी जो भी तू मंगदा गा, कमाई च वाधे शरीरक तंदुरुस्ती किन्ना कुछ मंगदा ना, बच्चों की पढ़ाई बच्चों की नौकरी बच्चों के ब्याह गाह बच्चों के बच्चे किन्ना कुछ तू मंग रहा, किन्ना कुछ तेरे शरीर नाल जुड़िया हुआ है। चलो पातशाह जी कहते मैं नहीं कहता भी गलत आ, जो वाहगुरू ने निजम बनाया वो मुताबिक ठीक हाँ, जो निजम उन्हें दाते ने बनाया, पर जिस दिन तू ये वाहगुरु जी तो मालक तो नाम की दात ले ली ना तो उस दिन तेरे जीवन में सबर आ जाएगा। मेन गल आ गई, जिन्ना वक्त तू गुरु नाम नू अपने दिमाग अपनी सुरत विच दृढ़ नहीं करता पक्का नहीं करता उन्ना वक्त पातशाह जी कहिंदे ना तेरे जीवन दे विच मतलब साढ़े जीवन दे विच कदे भी सबर संतोख नहीं आवेगा। उन्ना टाइम साढ़े जीवन दे विच तृष्णा बधी रहेगी, लोभ लालच बधिया रहेगा, होर दी भावना बधी रहेगी, मेरी दी भावना बधी रहेगी, मेरी दी भावना होर दी भावना लोभ लालच दी भावना वो सानू खत्म कर देंदी है। बाणी दे विच तृष्णा नू लोभ लालच नू बहुत बड़ा रोग मन्या गा, किड्डा का बड़ा पातशाह जी रोज ही पावन बाणी भी सानू सुनाउंदे ने ये तृष्णा बड़ा रोग है, ये तृष्णा ना बहुत बड़ा रोग हैगा ते इहदी दवाई किते नहीं है, पूरे वर्ल्ड दे विच तृष्णा की दवाई नहीं है, बड़े बड़े मंत्री भी तृष्णा लूंगे की आम की खास की बाबा की आम दिहाड़ीदार सब लोग तृष्णा लूंगे। एक उदाहरण मान लो बंदा चोर ते अपना ध्यान केंद्र कर लेंदा भी देखो चोर चोरियां करता एडा वड्डा बंगला पाला चंगी गड्डिया च घूमता फिरता चंगा खाता मंदा बोलता, आपां एक चोर नाल जोड़ देना एक बलैकीए नाल एक नशा बेचन वाले नाल गल जोड़ ली, पर जे दूजा पासा वेख्या जाए जे एक चोर एक बलैकी आ नशे बेचन वाला लोगों के परिवारों के परिवार बर्बाद करने वाला व्यक्ति ये कुछ करता तो दूजे पक्ष से एक सच के प्रचार में बोलन वाला उन्होंने छड़ के बाकी दुनिया के बहुत गिणती उन्हां बाबियां दी आ जिहड़े सेम बलैकियां दी किस्म चो ने, बिल्कुल बाबियां दे लक्षण बलैकियां दे नाल मिलते ने, कदे गौर करके वेखियो समझ गए ना। बाबा बाद देखो सियाणियां विचों मैनस करना आपां ये गल नहीं है भी सब दड़े दे विच लैणे ने, विचों कुछ कु नूं हत्थां ते गिरन वाले लोगों नूं मैनस करके बाकी दी जिहड़ी भाव बाबा रूपी कैटागरी आ गई ना उहदे विच की है ज़्यादा वो बाबे ने वो डेरेदार ने जिन्हां दे लक्षण सेम बलैकियां दे नाल नशा बेचण वालां दे नाल बड़े बड़े आपां नूं पता भी ठगां दे नाल मिलदे ने, बड़े बड़े समगलरां दे नाल उहनां दे लक्षण आ जिहड़े करतूतां ने वो मिलदियां मैच हुंदियां ने, फिर फर्क की है, फर्क तां किते नहीं ना। फिर पातशाह जी कहिंदे इह जिहड़ा उपदेश है सारिआं नूं साझा, चाहे कोई गुरु दा उपदेश बलैकिया लैणा जी चोर ठगा जी ते चाहे कोई बाबा आ जी, पर ज़्यादातर जिहड़ा साडा ध्यान आ जदों कोई गुरबाणी दे विचों गल सुणदे आ ते साडा ध्यान इन्हां बलैकियां ते चोरां ते बग जांदा, पर अपने ध्यान नूं बाबा ते ले जाणा पवेगा। क्यों ले जाणा पवेगा? क्योंकि बाबे भी दुनिया दे विच दुनिया दा माहौल बिगाड़दे ने, परिवारों के परिवार उजाड़ते हैं, बलैकिया भी परिवारों के परिवार उजाड़ जाता, बलैकिए का भी परिवार उजड़ जाता एक दिन तो बाबा के परिवार भी एक दिन उजड़ जाते हैं। हाँ रब की गल करने वाले सच की गल करने वाले उन्होंने आप मैनस करना बिच उन्होंने पासे करना गा। अच्छा जिन्हों के जीवन में संतोख आवड़िया फिर वो लोग आपां नूं पता अपनी जिंदगी भी सवारदे ने ते होरां दी भी सवारन दा जतन करदे ने, जिन्हां दे जीवन च संतोख आवड़िया। फिर पातशाह जी कहिंदे ये संतोख आऊ किवें, ये संतोख इउं आवेगा किवें, पातशाह जी कहिंदे पावन बाणी नाल जुड़ के, पातशाह ने जिक्र किया ना गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, गुरु का ज्ञान पदार्थ नाम ये की है मेरे लिए
बहुत बड़ी दात है, पदार्थ है, गुर ज्ञान पदार्थ नाम है। हर नामो दे दृढ़ाए, ये नाम नू वो मेरा मालक मेरे अंदर दृढ़ कर दिंदा। जदों उन्हें ये नाम ज्ञान परमात्मा ने साढ़े अंदर दृढ़ कर दिता, फिर असं ठगियां मारन हट जावांगे। बाबा बन के ठगियां वजदियां ने। हुण नाम की है? सज्जन मित्र है ना, नाम ही मित्र है। देखो सज्जन ते काम काम किहो जे करदा उह आपां खुद वेख सकदे। नाम तां सज्जन है, आउंदा नू पाणी भी पिलाउंदा, लोड़ मुताबक चाह दुध भी पिलाउंदा, रोटी भी छकाउंदा, रहण दे लई रिहायश भी दिंदा गा, कमरे भी दिंदा, कहिंदा मेरे कोले प्रबंध हैगा आ जाओ तुसीं। देखो कम बड़े वधिया ने, कम सज्जना वाले ने, कम नहीं माड़े हन, पर जिहड़ी विरती आ वो माड़ी आ। विरती की है ना, वो बड़ी गंदी आ। गंदी विरती नूं भाव ठीक करन दे लई कदे बाबा नानक पहुँचदा गा, उही बाबा नानक अज सानूं उपदेश दिंदा गा। फर्क तां किते है नहीं ना, वह गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अज बोल रहा गा। जे उत्थे सज्जन नूं उपदेश दिता गया ते उही उपदेश अज सानूं मिल रहा, पर साडे विच किते कमजोरी आ, असी अपने जीवन नूं तब्दील नहीं कीता। पर ओ सज्जन ठग सी जिहड़ा अज कल भाई सज्जन साढ़े इतिहास के गुरबाणी के सुशोभित है बैठा गा ना, अपना नाम रख गया तो वह जीवन तब्दील होने का कारण उन्हें गुरबाणी अपनी जिंदगी वरत लिया। बस इन्हीं कारण पातशाह जी अज के पावन शब्द में कहिंदे गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए, हे वाहिगुरु जी मेरे अंदर आप जी का नाम दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। पक्के तो भाव मैं समझ के चलना शुरू कर देवा। फिर गुरदेव पातशाह जी कहिंदे ना, जदों इदां दी विरती बन गई फिर साढ़े अंदरों राक्षस मर जाएगा, साढ़े अंदरों ठग मर जाएगा, साढ़े अंदरों मनमत मर जाएगी, साढ़े अंदरों तृष्णा लोभ लालच मर जाएगा। फिर आप पहला गल की सी भी पूरी संसार दे विच तृष्णा नूं खत्म करन दी दवाई शायद सानूं किते ना मिली। हाँ बंदे दियां जिहड़ियां भावनावां ना वो तृष्णा तक लै जांदियां ने, ते बंदे दियां भावनावां नूं खत्म करन दे लई ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ। देखो पातशाह जी कहिंदे तृष्णा नाम मीन्स ज्ञान, गुरु की बाणी, गुरु के ज्ञान सदका अंदरों तृष्णा बुझ जाती है, लोभ लालच खत्म हो जाता है। फिर तृष्णा बुझगी एक ते भी सबर है, जे तृष्णा नहीं बुझी तो फिर आपां नूं पता भावें 10 गुणा वध जावे ते भावें 100 गुणा वध जावे, फिर जिहड़े साढ़े अंदर दे ख्याल है ना वो कदे भी रुक नहीं सकणगे, मजबूर कर देणगे ठगी मार देणगे, मजबूर कर देणगे धोखा देण देणगे। कहण तो भाव गुरदेव पातशाह जी कहिंदे गुरु दे नाम विच, गुरु दे ज्ञान विच इन्नी को ताकत है कि वह साढ़े अंदर दी तृष्णा नूं बुझा दिंदा। तृष्णा बुझे हर कै नाम, महासंतोख होवै गुरबचनी, पूर्ण सतगुर ध्यान ज्ञान। पातशाह जी कहिंदे फिर अपनी जिंदगी दे पूरे सतगुर तो ना ज्ञान प्राप्त कर लै, जिन्ना टाइम पूरे सतगुर पासों ज्ञान नहीं प्राप्त करता उन्ना वक्त हे भाई तू तो अपनी जिंदगी नूं संतोखी नहीं बना सकता, उन्ना टाइम नहीं बना सकेगा। फिर पातशाह जी ने ताईं उह कहा हर नामो दे दृढ़ाए, भाव मैं अपने जीवन में नाम दृढ़ कर लवां। पातशाह जी अगे कहिंदे ने जिस प्राप्त सो लहे गुर चरणी लगै आए। अच्छा एक साडा सुभाव, साडा पहला दुनियावी सुभाव की है आपां उह वेखणा। सब नूं पता साडा सुभाव यह आ भी जिस रिश्तेदार कोलों, जिस गुआंढी कोलों सानू कुछ मिले ना, ते असी
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਪੱਕਾ ਸੱਜਣ ਆ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੈ ਇਹ ਤੋਂ ਨੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਲਫਜ਼ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਂਗ ਖੜਕ ਪਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਸ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਤਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਵੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਤਰ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਦਿਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਜਿੱਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਣ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੋਸਤੀ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਸੌਖੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੁੜਿਆ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਸਾਵਾ ਛੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੱਦੇ ਕੁਛ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਦੇ ਕੁਝ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਦੋਸਤੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਗਾ,
एक राई मात्र चीज़ भी लुकोई, सानू सब कुछ वह वाहगुरु परमात्मा ने साडे अगे ढेरी कर दिता, सानू सब कुछ दे दिता है। पर अगली गल की आ ना, जे आप परमात्मा के सुभा वर्गा साढ़े गुरु का सुभा वेखना ना, तो दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साढ़े तो कुछ भी नहीं लुकोया गा। दुनिया में गुरु बन बन बड़े बैठे ने, वो आप पहला गल कर ली बलैकिया में, तो अपने आप में गुरु डम जो मतलब ड्रामा करने वाला ना, उस कोई अंतर नहीं है। बलैकिए के भी सेम लक्षण ने, तो अपने आप में बाबा कहाँ वाले के भी उही लक्षण ने, फर्क कितने कोई नज़र नहीं आता गा। चलो वाहगुरु भला करे भी जिहड़ा साडा शरीरक तल ते दस गुरु साहबान होए ना, उन्हां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा वाहगुरु परमात्मा नाल मिलदी आ, ते शरीरक तल ते गुरु नानक साहिब प्लस अगे दस गुरु साहबान दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्हां दे नाल जो आप परमात्मा के गुणा नूं मिला के वेखांगे बिल्कुल सेम मिलते हैं। फिर भागां वाले चेता करके देखियो अपने दिमाग में, कदे फतेहगढ़ साहब की धरती ते कदे अपने दिमाग में ना, अपनी सुरत में चमकौर की हवेली में कच्ची गढ़ी में ले जाके देखियो, तो मेरे मालक ने ना अपने तो कुछ भी नहीं लुको के रखा है। किसी दुनिया के व्यक्ति ने बड़ी सोहनी गल कही आ, कहिंदे दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां तों कुछ नहीं लुको के लेके गए। पर नाल खड़ा दूजा वीर इस गल का जवाब दिंदा, कहिंदा नहीं सज्जना तैनूं भुलेखा, गुरु साहब लुको के लगाए ने कुछ। एक व्यक्ति कहिंदा गुरु ने कुछ भी नहीं लुकोया गा, तो दूजा व्यक्ति जवाब की दिंदा गुरु कुछ लुको के लै गया। हुण इस गल ते आपां हैरान होवांगे भी जे आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल तकीए ना, देखो साडे करके आनंदपुर साहिब त्याग दिता, छड दिता, साडे लई साडे उपरों अपने प्राणा तो प्यारे गुरसिख वार दिते। चमकौर की कच्ची गढ़ी कच्ची हवेली ओ थां गी जिथे सिख कौम की केवल मलाई, केवल तो केवल की है, सिर्फ मलाई रस तत् रस बिल्कुल रस उत्थे कुरबान किया गुरु गोबिंद सिंह ने, रस मलाई कुरबान की है। पंज प्यारियां दे विचों तीन प्यारी आपां नूं पता ना, दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्राणा तो प्यारे गुरसिख, ते अपने दोवें वड्डे पुत्तर बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह, उस धरती ते मलाई ही मलाई मेरे मालक ने साडे तो कुरबान कर दिती, कुछ भी नहीं लुको के रखा गा। जो आप इतिहास नूं पढ़ के दशमेश पिता जी दे जीवन वल झात मारांगे तो वाहिगुरु जी ने कुछ भी नहीं लुकोया गा। अच्छा जिहड़ी गल दूजे कोल खड़े वीर ने कही है ना भी गुरु गोबिंद सिंह बहुत कुछ लुको के लै गए, जिहड़ी दात गुरु गोबिंद सिंह महाराज लुको के लग्या ना, ते चेता रखियो वो अज तक गुरु ने सानू दात नहीं दिती। फिर असी की कहांगे, फिर तो गुरु साहब नू सच्चा गुरु नहीं कहा जा सकता। पर माफ करना साड़ी जवान इस गल नाल सहमत नहीं है भी असी कह दईए भी गुरु नू सच्चा गुरु नहीं कहना गा। गुरु साडा सच्चा है, गुरु साडा वो है जिहदे वर्गा होर कोई नहीं है। पर जिहड़ी गल इत्थे लुकाउण वाली आ ना, जे आपां हुण अगे जाके वेखीए तां दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी अख दे विचों ना हंझू वह सुट के नहीं गए, हंझू लुको के लै गए, सारा कुछ कुरबान करके परिवार वार गए, अपने पुत वार गए। दुनिया के अज तक जिनी जिनी अपनी उम्र हुई है ना, आपां अंदाजा मार के वेखो भी अपनी उम्र दे विच किसी वीर ने कौम तो अपना पुत वारिया दशमेश पिता नूं छड्ड के? कोई नहीं अजिहा है भी जिहड़ा कौम तो अपने पुत नूं स्पष्ट तौर पर पता भी इत्थे कल नूं आ कुछ होना गा ते अपने हत्थी तैयार करके मालक ने तोरे ने, पर नहीं बंदा पुत्तां करके अपनी औलाद करके बड़े पापड़ वेलदा गा। ठगियां चोरियां धोखा बेईमानियां बड़ा कुछ करता गा, पर दशमेश पिता ने अपने पुत्रां दे लई कुछ नहीं बनाया, उल्टा बिंदी पुत त्याग दिते, उन्हां नूं वार दिता, नादी पुत्तां लई सब कुछ बना के तुर गया।
नादी पुत कौन ने, असी ज्ञान चो पैदा होने वाले। पर गल अपनी चली आ भी जे आप गुरु का ज्ञान अपने अंदर दृढ़ कर लिया, पक्का कर लिया, तो असी इस गल वाल झात मार सकते हैं। तो साडा दुनियावी सिस्टम, दुनियावी मटीरियल जिहड़ा काम धंधा ना, इहदे तो साडा ध्यान थोड़ा जिहा पिछे हट सकता। नहीं, तृष्णा रोज़ रोज़ वध रही हैगी। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, पातशाह कहते बिरले ने जिन्हां की तृष्णा बुझदी है, जिन्हां ने फिर दशमेश पिता के जीवन में अंदरूनी तल ते सुरत करके गहो दे नाल गहराई दे नाल पढ़ सुन लिया ना, उन्हां की तृष्णा बुझ जाती है। फिर पातशाह जी ने लुकोया की है, लुकोया कुछ भी नहीं, परिवार साढ़े तो वार दिता, मलाई चमकौर की गढ़ी च वार दिती, सारी की सारी मलाई ला के मिट्टी रोल दिती। ओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज है, जे लुकोया है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां तो अपनिया अखां दे हंझू लुकोले। अज तक मेरा बाबा ना अखां दे विचों हंझू नहीं सुट्टिया गा, अज तक मेरे मालक ने अपनी अख विचों हंझू नहीं कढ़िया गा। वह कौन है? वह गुरु गोबिंद सिंह है। पर ख्याल करियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पुत शहीद होने दे हंझू नहीं केरिया, परिवार विछड़न दे हंझू नहीं केरिया, पूरे का पूरा लाओ लश्कर बर्बाद होने दे मालक ने हंझू नहीं केरिया। पर जे अज किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वैसे जागदी जोत प्रतख गुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सुशोभित ने, पर जे शरीरक तल ते अज आके वो अपने सिखां वल तके ना, अज माफ करना, अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सच जाणो जरूर रोणगे, जरूर उन्हां दी अख विचों हंझू आउणगे। क्यों? क्योंकि सिखा जिथे मैं तैनू छड्ड के गया सी, तू उदों पिछे तां हट गया, उदों अगे नहीं वध सकिया गा। समझ गए ना आपां भी जिथे मैं छड के गया सी ना, उदों काम नूं वधाउणा सी ते तू पिछे हट गया। हुण बाप उही खुश हुंदा जिहड़ा जिहने जदों अपने पुत नूं जिम्मेवारी देती ना, जिन्ना कुछ बाप ने अपने पुत नूं सौंपिया, जे किते बाप अपने पुत नूं जो कुछ सौंप के गया ना, उदों वध के पुत बना के दिखावे भी लै बापू मैं तां तेरे नालों किला दो किले घर परिवार के वाधा इन्ना कर दिता, तो फिर बापू खुश होगा कि मेरा पुत लायक आ। तो असी कि पुत हाँ? असी गुरु गोबिंद सिंह के पुत हाँ ना, तो असी कितने रुके हुए हैं? असी उत्थे ही खड़े हैं जिथे छड़ के गए सी, उदों कदम पिछे तो हट गए पर अगे नहीं वध सके। ये कमजोरी कितने आ? वो अज के शब्द विचों सानू ज्ञान मिलता है। अज के शब्द विच मालिक ने की कहा? गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सो लहै गुरचरणी लगै आए। फिर जिन्हां नूं गुरु का ज्ञान मिल गया ओही ही गुरु के चरणों नाल जुड़ते ने, जिन्हां नूं ज्ञान की दात नहीं मिली वह गुरु के चरणों नाल कदे नहीं जुड़ सकते। एक मैं छोटी जी के विच दी कहानी सुनाउण लग्या। कहिंदे ने एक बार विज्ञानियों ने कुछ खोज करनी चाहिए, कहिंदे उन्होंने ना चूहियां ते प्रैक्टिकल किया, क्योंकि विज्ञानी ने खोजी ने वो किसी भी चीज़ पर ना वो प्रैक्टिकल कर करके देख सकते हैं। गे हूँ चूहिया ते किवें प्रैक्टिकल किया? कहिंदे हुण उन्होंने वेखना भी चूहे का जिहड़ा सुभाग आ वो किद्दां दा गा, ते फिर उस सुभाग नूं अपनी डायरी विच नोट करना ते अगों बंदे नाल मिल के वेखना भी बंदे का सुभाग हुण किहो जिहा गा। हुण कहिंदे एक बहुत वड्डा खड्डा पट लिया, उहदे विच चूहे छड़ दिते। जदों उहदे विच चूहे छड़ दिते ना, वह चूहियां नूं कुछ नहीं देना, ना पानी ना दाने, वह भुखे रखने ने। हुण जदों चूहे खड्डे विच छड़ दिते ते वह चूहियां तों दूर पानी ते दाणे दा प्रबंध कर दिता, वह दूर एक खड्डा पट लिया, वह खड्डे विच दाणियां दा ते पानी दा प्रबंध कर दिता, ते वह खड्डे तक पहुँचण दे लई एक बिल्कुल सीधा रस्ता पट दिता भी चूहे इत्थों इस खड्डे चों आओ, खड्डे दे विच आ रस्ते विचों दी जाणगे। हुण ओह रस्ते दे विच उन्हां ने बिजली वाली नंगी तार करंट ते ला के ना पावर ते ला के वह विछा दित्ती भी जदों चूहा जाएगा वह नाल दी नाल मर जाएगा। हुण जदों करंट नाल जुड़ गया ना उहने मरना ही हैगा। हुण जदों मतलब कि वह सीधा रस्ता गा जिहड़ा उहदे विच तार बिछा दित्ती नंगी बिजली वाली,
एक रस्ता हुण इन्हें बिंग पा के बना दिता, वह रस्ता चोर मोरी कह लो चोर मोरी बना दिती, तो वह भी वो रस्ता खड्डे तक पहुँचता, दाणे जित प्रबंध किया दाणे तक वो पानी तक पहुँचता गा। हुण जदों मान लो चूहा अपने दाणियां दी ते भोजन की तलाश करने लिए जिधरों खुशबू आती है ना दाणियां दी सुगंधी वासना आती है, अपनी सुंघण शक्ति राही वेख्या भी यह बन्ने दाने ने गे उस बन्ने नूं तुरन लग्या तो बिजली वाली तार नाल लग गया, पहला चूहा मर गया, दूजे चूहे पिछे हट गए भी जिहड़े रस्ते ना ये साडा कमांडर जांदा सी ते ये मर गया, ये मरन की कोई वजह मारिया किसी ने मरिया गा की गल हुई है की बात हुई है, वो पिछे हट गए चूहे सारे बाकी। हुण एक दिन फिर लंघिया, दूजा चूहा कहना चलो मैं कुछ करदा रस्ता यही है कि इधरों खुशबू आती है दाणे की वाशना आती है ना, जो दूजा चूहा लंघन लग्या वो दूजा चूहा भी मर गया। गल मकाओ एक मरिया, दो मरे, तीन मरे, चार पंज, उन्होंने वेख लिया सारे चूहिया ने भी साढ़े पंज भरा इस रस्ते ते जान लग्या मर रहे ने, ते उन्होंने सदा लई ओ रस्ते का बाईकाट कर दिता, उन्हां चूहिया ने सदा लई ओ रस्ते का बाईकाट कर दिता जिस रस्ते ते उन्होंने एक दो तीन चार पंज भरा मर गए। हुण उन्होंने तलाश करनी शुरू कर दिती किहड़ी जिहड़ी चोर मोरी रखी गई सी वह लभ ली, भुख्या ने भालदिया भालदिया वह चोर मोरी लभ ली। हुण वह चोर मोरी दे विच एक चूहा हौली हौली अंदर जांदा, हौली हौली चलता चलता कितों तक पहुँच गया, वह दाणिया तक पहुँच गया। जदों रस्ते विच किसी तरह की औंकड़ नहीं आई, एक औंकड़ आई सी, रस्ता औखा रस्ता थोड़ा जा बिंग बलां वाला गा, चोर मोरी आ गई वह रस्ते कठिनाई आ थोड़ी जी, पर उन्हें परवाह नहीं मनी, कहिंदा रस्ता भावें बिंग वाला ही वाला होवे पर इस रस्ते मौत नहीं हैगी, इस रस्ते मौत नहीं हैगी, आपां इह रस्ता अपना लो। तो वह चूहे ने आके अपने दूजे भरावां नूं दस दिता, कहिंदा आ रस्ते ते मेरे नाल चलो, तो कहिंदा आपां दाणियां तक पहुँच जाएंगे, मैं सारी विड़क ले आया, दाने भी ने पानी भी आ, तो आपां सारे दाने भी छकांगे तो पानी भी छकांगे, आओ। सारे चूहे वह चोर मूरी राही लंघ के दाने तक पहुँच कर गए। वह विज्ञानी बड़े हैरान हुए भी यार कमाल की गल आ, आप दो रस्ते बनाए सी, इन्हां चूहिया ने वह रस्ता छड़ता जिथे मौत सी, वह रस्ता अपना लिया जिहड़ा रस्ता औखा सी। हुण गल किहदी आ, इह गल चूहिया की नहीं गल साडी आ, गल चूहिया की नहीं गल साडी आ, असी रस्ता वह अपनाया विआ जिस रस्ते ते आत्मक मौत यकीनन है, असी वो रस्ता गुरु वाला नहीं अपनाया जिथे रस्ता कठिन है पर मौत नहीं है। हुण जिहड़ा गुरु ज्ञान का रस्ता दिंदा ना, ये गुरु ज्ञान वाले रस्ते ते मौत नहीं है, आत्मक मौत नहीं है। ये तो गुरु ने यह कहा जे तेरा चित मानता ना भी तू मरना नहीं है, तू मेरे को आ जा, जिन्ना टाइम कहेगा उन्ने लंबे टाइम की तेनू मैं उम्र दे दूंगा, ये केवल गुरु को मिलती है, उन्नी लंबी उम्र मिल जूगी, जिन्नी टाइम की तू मैनू आके गल दसेगा ना उन्नी वड्डी उम्र मिल जूगी। पर यह रस्ता है औखा, खन्यो तिखी वालो निक्की, एत मार्ग जाना यह रस्ते ते तुरना कठिन आ भाई, रोज़ का नेम पगाना औखा भाई, रोज़ गुरु नाल जुड़ना गुरु की गल सुननी गुरु तो गल पुछनी औखी आ भाई, औखी है ना। हुण बच्चे को पढ़ाई किन्नी औखी लगती है, वह कहिंदा मम्मी मैनू पढ़ना बड़ा औखा लगता मैं नहीं पढ़ता गा, मैनू लिखना बड़ा औखा लगता मैं नहीं कुछ लिखना गा, याद करना बड़ा औखा लगता मैं नहीं जो कुछ याद करना गा। अच्छा जिहड़ी अज बचपन की कठिनाई है ना, तो जिदे बड़ा ऑफिसर लग के कुर्सी पर बैठ गया उदे सारी तकलीफ भुल जू, कहिंदा वाह जी वाह ये तो आनंद ही बड़ा गा। तो वह आनंद कदों मिलिया जदों रस्ते वाली औंकड़ नूं उन्हें सर कर दिता, उन्हूं लंघ गया। बस यही गल साडी आ, यही गल गुरु के प्यारे गुरसिख की है। पातशाह कहते फिर आप चूहियां तो सीध लेनी आ, मौत वाला रस्ता छड़ना, पखंडी बाबे आत्मक मौत मार देंदे ने, उत्थे साडे नाल जवीरां विक जांदियां, इज्जतां विक जांदियां, घर बार लुट्टिया जांदा गा, साढ़े बच्चे लुट्टे जांदे ने, साडा पूरे का पूरा उत्थे परिवार खत्म हो जांदा, नशे उधर साडी यकीनन मौत है,
ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਵੀ ਆ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਖਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਮਨ ਮਤ ਤੋਂ, ਵਹਿਮ ਤੋਂ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਲੈਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੈਕੀਏ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਘਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਰੱਬੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੱਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਾੜ ਵੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਉ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਜਚੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਆਣਪ ਮੰਗਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਘਰ ਮੰਗਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੰਗਣੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾਂਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਚਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੱਖ 'ਤੇ ਨਾ ਕੱਖ 'ਤੇ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਖ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ। ਅਕਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਥਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਜਣ ਆ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਗ ਜਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਰੋਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਰੋਕਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗੜਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਘਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵ ਸਿਆਣਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕੁੱਲ ਸਹੂਲਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦਾ ਸੁਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਹ ਕਮਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਦੂਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਕਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਚ ਜਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਜਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਣੇ ਆ ਦੁਰਮਤ ਮੰਝੈ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੀਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਤਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤ
ताकत गुरु ने मैनू वो ताकत दिती आ जिहड़ी ताकत कदे खत्म नहीं होंदी। इत्थे लिखिया ना सदा 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 तो भाव की आ हर वक्त रहण वाले तेरा तान तू मैनू दे दिती इहदा ताकत। हुण एक गल ध्यान च रखियो जो बचपन का सुभाग आ वो जवानी नाल कदे बिल्कुल सेम नहीं रहिंदा गा ते जिहड़ी जवानी च ताकत आ वो अध खड़ च नहीं मिलती गी जिहड़ी अध खड़ उम्र च ताकत आ ना वो बिरध अवस्था दे विच। मेरे कहन तो भाव सारयां नूं सिखरली स्टेज आ जिहड़ी ना अड्डा गा वो जवानी आ। जवानी दे विच बंदे दे शरीर विच ताकत बहुत हुंदी आ बड़ी ताकत आ ना जिधर मर्जी जिहड़े मर्जी कम ते ला दो बंदा मोर्चा सर कर जांदा गा ताकत बहुत असली दे विच। वैसे तो नाल मैं गल जरूर ऐड करांगा अज दे जवान वो रहे नहीं जिहड़ी ताकत दी आपां गल करदे ना अज दे जवान तो आपां नूं पता बजुर्गां नालों भी माड़े हो गए बिरलियां नूं छड्ड के जिन्हां ने अपने शरीर नूं संभालिया किरत नाल जुड़िया चंगी खुराक नाल जुड़ के रख्या होया गा ते नहीं साडा खुराक साडा जीवन किहो जिहा जिहो जिहे असीं पत्ते चट हाँ मतलब साडा आपां सारे में भी तुहाडे विच आ कागजां दे विच खाने ना ते कागजां वर्गे शरीर बन गए पत्तियां दे विच खाने आ पत्तियां वर्गे शरीर बन गए ते गुरु ने की दिता सी कोनो असीं भुल गए। चलो कहन तो भाव कदे वो वक्त वल निगाह मार के वेख्यो जदों सरदार हरी सिंह नलूए वर्गे हरी सिंह नलूए वर्गे ना शेरां दे नाल मुकाबला कर लैंदे सी सच है मुकाबला करनी सी लैंदे बिल्कुल हकीकत आ हकीकत आ ना। उदू बाद भी साड़ी मतलब के फौज दे विच अजिहे योधियां दे इतिहास छप चुके ने किहड़िया दे जिन्हां ने अपने हत्थां दे विच फड़ियां हुई कटारा जां बंदूक दे अगे लग्या होया चाकू लग्या होया ना वह केवल गोली चलाउण तो बिना कल्ले चाकू दे नाल शेरां दे मुकाबले कीते नूं कौण ने असूई आ पर वह साडा जीवन आ जिहड़ा पिछे लंघ गया बड़ा पिछे लंघ गया पर अज का जीवन किहो जिहा वह आपां निगाह मार के खुद वेख सकते हाँ। मेरे कहन तो मुराद की सी पातशाह जी कहते तैनू मैं वो ताकत दूंगा किहड़ी ताकत जिहड़ी ताकत सदका ना तू सदई जवान रहेगा सदई ते हुण जदों गल आ गई ना सदई जवान रहेगा फिर पहला तो निगाह आपां गुरु अमरदास महाराज वल मार लो उम्र वडेरी आ वड्डी उम्र आ ना पातशाह की उम्र 60 दे एड़ गेड़ आ गई जदों गुरु अंगद साहब महाराज कोले पहुँचते हैं 60 सालों के आस पास आ मान लो 60 साल नहीं मान लो हुण गुरदेव पातशाह करदे की ने आपां नूं पता रोजाना ब्यास दरिया तो पानी की गागर भर के ले जानी चलो वो मेरे मालक की एक अवस्था अपनी जिंदगी की चढ़ी हुई मैल नूं लाउणा भी मैं दिन रात सेवा करनी है ते पातशाह ने कल्ली गागर नहीं ले जानी दिन दे विच होर भी इर्द गिर्द रहिंदे आ गुरु के आस पास रहिंदे आ सेवावां करनियां सेवावां करनियां ना ते वो अवस्था किहड़ी आ बजुर्ग ते कम किहड़े कर रहा गा जवाना वाले पहली उदाहरण संखेप उदाहरण चलो एक लास्ट उदाहरण लै लो बाकी विचों तुसीं सारा समझ दोगे बाबा दीप सिंह वैसे तो बाबा दीप सिंह वो योधा गा जिहड़ा जवानी दे विच भी बड़ा तकड़ा सी जवानी दे विच भी बहुत ज़्यादा बलवान सी पूरा टोटल जीवन पढ़ के वेखिए पर जिहड़ी अवस्था दे विच आके खंडा वाहिया गा ते आपां उह अवस्था दी गल करनी आ फिर पातशाह ने की कहा सी गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान अज दी वाणी शब्द की आरंभता कित्थों होई आ पातशाह जी कहिंदे गुर ज्ञान पदार्थ पाया गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामों दे दृढ़ाए ज्ञान दे सदका मैं इन्ना ताकतवर हो गया मैं बिरध अवस्था दे विच भी भाव चंगे तो चंगे काम कर सकता हाँ ते जे मेरी अवस्था जवानी दी आ ते मेरी सुरत मैली आ गंदली आ ते फिर मैं उत्थे जाके भी चंगे काम नहीं कर सकांगा ते कदे बिरध अवस्था ही सी की दी महंत आपां नूं पता ना जिहड़ा गुरु नानक पातशाह दे दसवें दरबार विच रहिंदा गा ते हुण ओह महंत की कहिंदा गा आपां नूं पता वी जदों मुगल हकूमत दा कमांडर उहदे ते वार करदा गा ते अग्गे जवाब के दित्ता कहिंदा ओह महंता ओह साधड़िया तूं माड़ी जी गौर करके देख किहड़ी गौर करनी हैगी हुण गौर ये करनी आ कहिंदा तूं कदे कृपाण चलाउण सिखिया
कदे वरसा नेजा शस्त्र चलाउण सिखिया, बाकी तू अपने शरीर वल निगाह मार। एक तो कुदरती तौर पर तू राजी आगा मोटा गा, तो दूजी गल ये आ तू बिरध अवस्था विच अपना पैर धर चुकिया गा। तेरा मेरे नाल की मेल है, मैं फौज का कमांडर हाँ। तो अगे उस साधड़े ने बाबे ने जवाब की दिता गा, वो कहिंदा मैदान ए जंग दे विच ना कदे शरीर नहीं लड़दे। मेरी गल चेते रखी, मैदान ए जंग दे विच ना हौसले लड़दे ने। गुरु वालों बख्शिश किया होया किरपा का हथ दात ज्ञान की वो लड़ाई करती है। तो आपको पता उधर फौज का कमांडर आ, इधर महंत गुरु पातशाह के दर पर एक बिल्ला जा रहने वाला आम जहा व्यक्ति है, कुछ भी चला नहीं जानता गा, तो वह मुकाबला फौज के कमांडर नाल होया। तो कुतके दे नाल डंडे दे नाल सिर फेर दिता सी, सिर दे विचों मिझ इतिहासकार कहिंदे इउं निकलदी आ जिवें मखणी वाली मटकी फुटी होवे ना ते उह मटकी दे विचों मखणी बाहर डुले। तो उत्थे की जिक्र कीता, हौसला। तो अज साढ़े हौसले आ जिहड़े उह बुझ चुके ने, क्यों कि उह किसी गुरु ज्ञान नालों टुट चुके आ। लास्ट दे विच मेरा मालक जिक्र करदा, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवै ना जाए, मेरा गुरु उह आ भाई ना कदे जमदा ते ना कदे मरदा, उह सदा ही आ, ना उह बुढ़ा गा ते ना उह कदे जवानी च, वह तो सदिया अजूनी साहब भंग गुर प्रसाद, वह तो सुते प्रकाश है, अपने आप तो प्रकाश है। गुरमुख बुढ़े कदे ना ही, जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया वह भी कदे बुढ़ा नहीं हुंदा गा। ना वह बुढ़ा ना वह बाला, ना वह बचपन विच ना वह जवानी विच ना वह बुढ़ा, वह तो इको जी अवस्था भोग रहा गा। फिर अगे पाशा कहते वह बनासी पुरख है जो सब में रहे समाए, वो तो सारे दे विच भाई समाया होया गा। राम नाम धन संचिया साबत पूंजी रास, नानक दरगह पाया गुरपुरे सवास। गुरु ने मैनू यही शाबाशी दिती है, तां तेरी दरगाह दे विच चल सकती है, तां तू दरगाह का वासी बन सकता है जे तू गुरु की गल सुन के मन लवे। इतों तक अज दी विचार समाप्त है। विचार करदिआं बड़िया भुलां रह जांदियां ने, गुरु ते गुरु की संगत बख्शण योग है जी। सब का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद।